अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड यू आर वाचिंग एब्सोल्यूट अभी। आज का मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक इस टॉपिक पर कभी वीडियो नहीं बनाया है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि यार मेडिकल जो सर्टिफिकेट बनता है, जो हम एम्बेसी में सबमिट कराते हैं, उसको क्या, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें लिखना क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या लिखवाया था मेरे डॉक्यूमेंट पे डॉक्टर से। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको एम्बेसी में सबमिट करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने से पहले सबसे पहले आपको एक सीनियर फिजिशियन से मिलना होगा। कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं चलेगा, एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर आपको एक फिजिशियन से अपॉइंटमेंट लेना है और उनको ये बताना है कि सर मुझे मेरा वीज़ा अप्लाई करना है और उसके लिए मुझे एक गुड हेल्थ का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपके पास वो कहेंगे ठीक है, हम बना देंगे, आपको उनको एक फ़ीस पे करनी पड़ेगी। हो सकता है वो आपका चेकअप भी करें। आप ये सरकारी हॉस्पिटल में भी बना सकते हैं जहां आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल इट टेक्स टाइम, हम सबको पता है। तो जब आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, उससे पहले आपके पास रिटर्न में आप एक पेन ड्राइव में ले जा सकते हैं एक फॉर्मेट। वो फॉर्मेट ये है। ये वैसे मैं आपको पूरा नीचे लिख के भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वहां से कॉपी कर लें। मैं आपको इसके मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, दिस सर्टिफिकेट वेरीफाइज दैट मिस्टर अभिषेक शेखावत इज फ्री ऑफ ड्रग एडिक्शन, मेंटल इलनेस एंड डज नॉट सफर फ्रॉम एनी डिजीज दैट कुड कॉज सीरियस repercussions to public health according to the specifications of the International Health Regulations of 2005. These contagious diseases include but are not limited to smallpox, poliomyelitis by wild polio virus, the human influenza caused by a new subtype of virus, and the severe acute respiratory syndrome, SARS, cholera, pneumonic plague, yellow fever, viral hemorrhagic fevers, example Ebola, Lassa, Marburg, West Nile virus and other illness of special importance nationally or regionally, for example dengue fever, Rift Valley fever and meningococcal disease. Mr. Abhishek Shekhawat is very healthy individual in all senses. He has no pre-existing medical conditions and he is capable of traveling abroad. इसके बाद आपको यहाँ डॉक्टर साइन कर देगा, अपनी स्टैंप लगा देगा, डेट एंड प्लेस लिख देगा। सिंपली ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराना है एम्बेसी में। अब अगर किसी आप इंग्लिश कंट्री में सबमिट कराने जब तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप किसी ऐसी कंट्री में सबमिट करवा रहे हैं जहाँ लैंग्वेज वाला इशू है, तो आपको इसका स्वर्ण ट्रांसलेशन एंड अपोस्टाइल करवाना होगा। अगर आपने अभी तक अपोस्टाइल और स्वर्ण ट्रांसलेशन के बारे में नहीं पता है या नहीं जाना है, तो इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल absolute.abhi पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। है ना, बिल्कुल सिंपल। लेकिन पता है क्या होता है, जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो हमें हमेशा ये लगता है कि वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आती है तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको अपने उन रिश्तेदारों, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है जो फॉरेन ट्रिप पर जाने वाले हों। चाहे स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क परमिट हो, आपको इस डॉक्यूमेंट की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अडियोस।